नगर निकाय के चुनाव को लेकर बिलासपुर में जोर तोड़ की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष व बिलासपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप ने भाजपा का हाथ थामा है। वहीं लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहने के बाद अब भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कमलेंद्र कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही थी और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में नगर परिषद चुनाव से पूर्व जोड़ तोड़ की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस व भाजपा पार्टी से संबंधित नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी का दामन छोड़कर दूसरे दल का दामन थामना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष व नगर परिषद में उपाध्यक्ष रहे कमलेंद्र कश्यप व कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हुसैन अली ने पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। इस मौके पर बिलासपुर सदर से विधायक सुभाष ठाकुर व भाजपा जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान मौजूद रहे। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहने के बाद अब भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कमलेंद्र कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में उनकी अनदेखी व सामाजिक कार्यों से जुड़े रहने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। उसी प्रकल्प को लेकर हम कार्य कर रहे हैं, जो इस कार्य में हमें सहयोगी है हम उसके साथ हैं। सर, ऐसा क्या आन पड़ी कि इतने लंबे समय से कांग्रेस में थे और अब भाजपा में आए हैं, क्या गए? वास्तव में कार्यकर्ताओं को जिस तरह का एक मान सम्मानों को सहन ये थोड़ी सी हमें लगा, इसलिए हमने क्योंकि हमारा अपना मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमारा ध्येय जनता की सेवा है, मानवता की सेवा है, उसी ध्येय को लेकर हमने ये निर्णय लिया। भाजपा विधायक सुभाष ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है, जिस कारण दुखी होकर कांग्रेस पार्टी के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में हमारे कमलेंद्र कश्यप जी जो कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष रहे हैं, इस म्यूनिसपल्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, लंबे समय तक आपने इस म्यूनिसपल्टी में आप विभिन्न वार्डों से जीत के आते रहे हैं, आप समाज सेवी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जिस तरह से सहयोग आपस में करते हैं उससे वह परिचित होके और इन सब चीज़ों को देख के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस हमारी म्यूनिसपल्टी में दूसरे हमारे हुसैन अली जी जो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जिला के, समाज सेवी रहे हैं, लंबे समय से उन्होंने भी राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस में काम किया है, वह भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की विचार के साथ जुड़ के भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने भी भाजपा के कई युवा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल किया है। बम्बर ठाकुर का कहना है कि चुनाव माहौल में आगे भी कई भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे और एकजुटता के साथ कार्यकर्ता पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के स्टंट को जो उन्होंने किया, जो तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के हमारे 14-15 नौजवानों ने जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, हम उनका स्वागत करते हैं और पूरे के पूरे परिवार कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं। आज उनको मैं बधाई भी देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। और आप देखेंगे कि अभी चंद दिनों के अंदर अंदर जो है बिलासपुर शहर के 11 वार्डों के बहुत से भाजपा के लोग हमारे संपर्क में हैं और सब लोग जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। यही कहना चाहूँगा कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे और बहुत से टिकट कांग्रेस पार्टी के ने दे दिए हैं और वो सब जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा यहाँ से, क्योंकि वो कोई भी काम जो है धरातल पे नहीं कर पाए हैं। जो सैंक्शनड पैसा था कांग्रेस के समय का, उस पैसे को भी ये नहीं लगा पाए और जो नए पैसा देने की तो को बात ही उसको तो बात ही छोड़ दो, लेकिन सैंक्शन जो अमाउंट था जो 35-35 लाख रुपए जो पार्किंग के लिए छोटी छोटी पार्किंग के लिए शहर में बनना था उस पैसों को ये नहीं लगा पाए। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।